हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अपनी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए राजस्थान जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहे थे, उसका आज मैं अगला पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड सारी बिल्कुल वीडियो मिल जाएगी और उनके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और साथ में आपको सारी भर्तियों की नोटिफिकेशन अपडेट वो भी साथ में दे दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राव बीकाने, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह या राव लूनकरण। तो बीकानेर का कौन सा शासक था? राव कल्याणमल था, जिन्होंने राणा सांगा के साथ बिल्कुल खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी में, नगरी, बरौर या बागौर। तो बिल्कुल सुनारी है, बिल्कुल झुंझुनू में जगह पड़ती है जहां पर लोहा बनाने की भट्टियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो डबोक हवाई अड्डा डेस जिले में स्थित है, यानी डबोक हवाई अड्डा वो कौन से जिले में? डूंगरपुर में, राजसमंद में, उदयपुर में या बांसवाड़ा। तो डबोक उदयपुर में, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा उदयपुर। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? बिल्कुल अंग्रेजों ने संधि है वो 1818 से स्टार्ट कर दी थी, और रही बात सिरोही के साथ कब की, तो ऑप्शन है अपने पास 1817, 1818, 1822 या 1823। तो सबसे लास्ट में सिरोही के साथ में संधि की थी अंग्रेजों ने 1823 के अंदर। ठीक है, सर्वप्रथम करौली के साथ और लास्ट में सिरोही के साथ है 1823 में अंग्रेजों ने संधि की थी। बात करते हैं टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य डेस जिले में स्थित नहीं है, यानी कि इनमें तीन जिलों में तो टोडगढ़ रावली है, एक जिले में नहीं है। वो जिला आपको पहचानना है, अजमेर, राजसमंद, टोंक या पाली। तो जो रावली टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है वो अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर है, टोंक में नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। ठीक है, बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपना है कि भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 10% है, 15% है, 20 है या 11 है। तो इसका आंसर है दोस्तों 10%। 10% हिस्सेदारी है वो भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की है। आगे हैं कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनियन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपरदन या नाली अपरदन। तो उत्तर पश्चिम जो राजस्थान में है वहाँ पर बिल्कुल मृदा में जो अवनियमन हो रहा है वो हो रहा है अपने जल भराव के कारण। वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से जल रिसाव ज़्यादा होने के कारण बिल्कुल वहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिससे जल के कारण वहाँ की जो फसलें हैं वो नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए जल भराव एक कारण है जहाँ जिसके कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगला है कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, बिल्कुल वे डेस से हैं, यानी वो कौन से ज़िले से हैं? बाड़मेर से हैं, जैसलमेर से हैं, जोधपुर से हैं या पाली से हैं। तो रूमा देवी बिल्कुल बाड़मेर ज़िले की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया और वो बाड़मेर ज़िले से आती है। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो राजस्थान में नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मानस, सीता माता, शेरगढ़ और रामसागर। तो सीता माता बिल्कुल राजस्थान में, शेरगढ़ बारा बिल्कुल हो गया और रामसागर बिल्कुल है। तो मानस है वो बिल्कुल राजस्थान में नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा। बाकी सीता माता, शेरगढ़ और रामसागर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोमल कोठारी को, विजय सिंह पत्ती को, जाबरमल शर्मा और गोकुल भाई भट्ट। तो किसान आंदोलन का जनक है वो विजय सिंह पत्ती को जाना जाता है। ठीक है, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का बिल्कुल नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।